हाउ मच पेनफुल पीरियड्स आर, डू गर्ल्स वॉच पॉर्न, बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड? तो बेस्ट फ्रेंड ही मजे लूटते जा रहा है, बॉयफ्रेंड का कोई काम ही नहीं है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज हम करने वाले हैं आस्किंग गर्ल्स क्वेश्चंस दैट गाइस आर टू अफ्रेड टू आस्क। तो क्वेश्चन नंबर वन, रेडी? बहुत इंग्लिश हो गए एक साथ। खाने से पहले तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, डू गर्ल्स लाइक गाइज विद बियर्ड और क्लीन शेव? हम कटवा आधी कटवा लेते दोनों चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कुलर गाय और स्किनी गाय? ये ठीक लग रही है। लड़का चाहिए और जिंदा चाहिए? देखो हाँ बिल्कुल यही जो मैंने कह रहा है, लड़का चाहिए और जिंदा चाहिए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शुड पे द बिल ऑन फर्स्ट डेट? बोथ। एक मिनट मैं बताती हूँ, मैं बताऊंगी ना इसने किया है? जिसकी मम्मी ने ज्यादा पैसे दिए होंगे वो कर दे अगली बार। अगर कोई मतलब फोर्स कर रहा है ऐसे लड़का कि नहीं सिर्फ मैं ही दूंगा, तो तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पैसे बचे तो अच्छा ही लगता है यार। या किसी को ऐसा होता है कि नहीं यार स्प्लिट करना है, मैं भी दूंगी? हाँ फर्स्ट टाइम मतलब दे दो और बाद में देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इन अ गाय? बिहेवियर, पर्सनैलिटी, क्या देखोगे तुम? शूज। अच्छा बात है भाई। हेयर और कुछ? पर्सनैलिटी। गाइस खुद चाहे तुम नंगे हो पर जूते जरूर पहनना, जूते जरूरी है। सुजाता के लिए जूते कम। दो जोड़ी पहन के आना, एक हाथ में एक पैर में। So, next question is, love or money? Love. चलो अभी आंसर दे, सच बताओ। Both are important. वही ना। Both. मैं बताऊँ इसका आंसर? क्योंकि जो इंसान आपको प्यार करेगा वो आपके लिए पैसा भी कमाएगा, क्योंकि उसको पता होएगा कि आपकी क्या नीड्स हैं, आपको क्या चाहिए, तो दोनों इम्पोर्टेंट है। इतनी समझदार थी तू? मैच्योर हो गया अभी। आई एम क्वाइट मैच्योर। निकाल दे यार, होगी तेरी प्लस टू पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच पेनफुल पीरियड्स आर? अलग-अलग होते हैं सभी के। हां एक जैसे नहीं आएंगे। हां तो अगर आपसे पूछें कि लड़कों को एक्सपीरियंस करने को एग्जांपल दे सकते हो कि हां इसके जितनी दर्द होती है, हम उसको पिंच चुभाएंगे से पेट में। कांस्टेंट पेन जो होती रहती है लगातार। तुम्हारा ऑपरेशन विदाउट तुम्हें बेहोश किए हुए वैसे एग्जांपल तगड़े दे यार। प्रिया को आगे बिठाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू डेट अ गाय शॉर्टर देन यू? ना। व्हाई? रीजन कोई भी नहीं ऐसा क्या? मुझे इसका रीजन ना दे। क्यों तेरे साथ हुआ? मतलब लड़का बहुत अच्छा है पर बस हाइट छोटी है। अपना नहीं होता है, अपना नहीं, ऐसे बता दो लड़की को चलेगा कि नहीं चलेगा। कुछ को चल सकता है, कुछ को नहीं चल सकता है, अपने परसेंटेज ज्यादा सैलरी पे डिपेंड करेगा। मैक्सिमम को नहीं चलेगा, सैलरी पे डिपेंड करेगा। इसने बोला मैंने नहीं कहा। सुनो, व्हाई डू गर्ल्स गो टू वॉशरूम इन ग्रुप्स? गपशप फॉर गॉसिप। या फिर किसी ने अकेले नहीं जाते, किसी नहीं नहीं फॉर गॉसिप। गॉसिप अब क्लास में कोई बैठा है, कोई तीन चार बातें होती है दिमाग में, वो कहां बोलनी, टीचर आगे बोले ना कि साथ में गॉसिप कौन करता है? हां नहीं बाथरूम में नहीं, बाथरूम में नहीं भाई, बात करनी बाथरूम में मिल। सुन तो सही, बाथरूम में थोड़ी, जो बाथरूम और क्लासरूम से वो स्पेस आता है ना बीच में, उसमें कितनी बातें कर लेती है लड़कियां, तुम्हें क्या पता है? आंगनबाड़ी में स्पेस होता है। आंगनबाड़ी वाले तो बच्चे होते हैं ना, क्योंकि बुड्ढी है। मैं जवान हूं दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ आइडियल डेट फॉर यू? कि मतलब पहली डेट तुम क्या चाहते हो, कि कैसी ऐसी डेट हो तो मेरे लिए परफेक्ट है? बताओ अपना अपना कि किसको कैसी डेट पसंद है। मेरे को कुछ चाहिए डेट पे जाना, मेरे को भी जाना ही नहीं है, मेरे को भी जाना, मेरे को डेट पे जाना पसंद ही नहीं है। कैसी लड़की है, क्या बात होती है डेट पे जाना? मुझे ट्रिप पे जाना है। मुझे भी ट्रिप पे। दोस्तों के साथ? नहीं, बॉयफ्रेंड के साथ। मतलब ट्रिप पे किसी को होता है कि हाँ बीच पे या पहाड़ों पे या कुछ? हाँ मतलब बीच, ठीक है, पहाड़ बीच पे।
बीच या जंगल में बीच अरे मतलब वैसे ही जा सकते हैं क्वालिटी टाइम मेरे को डेट पे नहीं जाना पसंद है पता है हमें पर जंगल में मेरे को डेट पे जाना पसंद ही नहीं है मेरे को वो इंसान चाहिए लॉन्ग वॉक पे जा रहे हैं वो डेट ही लंच पे डेट तो एक इमेजिनेशन आ जाती है ना कि हमें इस जगह पे जाके ऐसे मेरे को ये वियर करना है करना है कुछ भी नहीं नॉर्मल चलो बस पजामे डालो कंफर्ट में चलो बस कोई नहीं करेंगे सरप्राइज चाहिए क्या पसंद है सरप्राइज और गाइस मुझे भी है ये मुझे सरप्राइज से ज्यादा चाहिए योर पार्सल इज कमिंग टुडे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट इन अ बॉडी ऑफ अ गाय फेवरेट बॉडी पार्ट क्या लगता है आईज Hairs, packs, six packs, abs. अंकित तो सीधा जाके चेक करवाते हैं। हाथ ही पहले। और shoes. मैं बताऊंगी ना मेरे शूज़ तो गए। ये वीडियो देख के सब जूते खरीदने जाएंगे। Please, मिस्टी, तेरे को eyes. इसको भी आंखें पसंद है मेरे को भी आईज हेयर्स विंग्स मतलब बंदे की दो आंखें हो देखते सभी कर चुके हैं चार होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बिगेस्ट टर्न ऑन इन अ गाय कि मतलब क्या चीज कोई लड़का करे कि तुम्हें सबसे अट्रैक्टिव लगती है कि भाई नहीं बस यही चाहिए जब लड़की मतलब उसको होता है कि यही बंदा चाहिए वो पता है कब होता है जब मैं बताती हूँ चाहे वो कितना ही कुछ कर ले या पैसे भी ज्यादा कमा ले लेकिन एक लड़की को वो लड़का तभी चाहिए होता है जब उसको पूरी तरह से पता चल जाता है कि ये गाय लॉयल है और मुझे हमें पूरी तरह से पता चल चुका कि तेरे टॉपिक कहीं और चला है नहीं सिंपल सा है कि एक चीज़ ने कर दी ना तो कहते हाय क्या कर दिया ये चीज ये कर दिया फिर ऐसा बोल दो कि जैसे हां उसने तुम गाड़ी में बैठे जा रहे हो उसने दरवाजा खोल दिया कुछ तो होता है छोटी छोटी चीज पोएट्री उसने पोछा मार पोएट्री करता उसका उसका और नहीं तो देखो तुम लोग ऐसे गाइस मैं बताऊंगी बता जब उसने जब वो मेरे को अपनी हुडी पहनने को दे दे जूतों के साथ साथ हुडी भी खरीद लो जब वो तुम्हारी बात सुनना मतलब मानने लगे हमारी बात सुन सके ये अरे हर बात माने हर बात माने वो पर वाकून कूद जाए एक क्वेश्चन भी आगे से ना पूछे क्यों सीधा हो अब मैं बताऊं सबसे अच्छा जब वो तुम्हें बहुत सारी लिपस्टिक्स खरीदवाए कपड़े खरीदवाए अगर ना कुछ भी पहन अगर एक लड़का तुमको मेकअप खरीद के दे रहा है तो ओह माय गॉड तो वो क्या दिखा रहा जाता है कि तेरी शक्ल अच्छी वो दिखा रहा है कोई बात नहीं वो ये दिखा दे लेकिन मेकअप खरीद के दे रहे भाई ये वो बता दे और सबसे बड़ी बात जब वो तुम्हें अपने किसी के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो किस तरह से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा रहा है बंदी शब्द बहुत गंदा लगता है मीट शी इज माय गर्लफ्रेंड कितना अच्छा लगेगा ये मेरी बंदी है भाई ये मेरी बंदी है मेरी बंदी है कितना बुरी शब्द है ये मेरी सेटिंग शायर अभी तक शायर ही चला कि कुछ और भी है हर क्वेश्चन का आंसर शायर होना चाहिए जो लोग पैसा कमाते हैं वो पैसा कमाते हैं बाकी सिर्फ हाथ मलते हैं जो लोग पैसा कमाते हैं वो सिर्फ पैसा कमाते हैं और बाकी सिर्फ हाथ मलते हैं बहुत देर होगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगेस्ट टर्न ऑफ इन अ गाय कि मतलब उसने कुछ ऐसा ओ नहीं भाई नहीं बिल्कुल भी नहीं रोक टोक तो सबसे ज्यादा है ना मतलब कि तुम हुक्म तो चलाना भी मत कंट्रोल नहीं करना हां कंट्रोल और मतलब जैसे अपने रिलेशन में पहले ही कंट्रोल तो फिर मतलब बाद में तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या चीज है लड़के में बिल्कुल पसंद नहीं बिल्कुल भी नहीं यार इसने ऐसा कर दिया तो बिल्कुल नहीं कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट जो प्रिय है अच्छा ड्रेसिंग सेंस ना हो या फिर अच्छा स्मेल नहीं करता कपड़ों का नहीं मैटर करता ना कपड़ों का नहीं करता नहीं बिल्कुल पर्सनालिटी यार कपड़ों से भी आती है जूतों से आती है मैं बस बोल रहा था नहीं अच्छा तो लगता है कोई अच्छी ड्रेस सेंस करे नहीं लगता नहीं अच्छा लगता क्यों नहीं अच्छा लगता हम अच्छे से रेडी होएंगे और फिर सामने से उसको क्यों अच्छा नहीं लगेगा जब हम अच्छे लग रहे होंगे या वो अच्छे से लग रहे होंगे तो मतलब फिर तुमने प्री प्लान ना हो और तुम्हारे कपड़े मैच हो जाएं तो अलग ही खुशी मिलती है ओह माय गॉड
नहीं, बिगेस्ट टर्न ऑफ इन अ गाय अगर उसको शायरी नहीं आती हो. व्हाई डू गर्ल्स नेवर मेक द फर्स्ट मूव? कि अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो बोल दो ना यार, क्यों ऐसे घुमाना है? लड़की है. She want attention. She want attention. Girls want attention. Extra attention. हमें कैसे पता चले कि वो देती है ना वो hint, hint. Hint समझो तुम. उसकी नजरें प्रिया से guidelines लेने पड़ेंगे फोन पे. चलो next question ये है कि लड़का कैसे बताए लड़के तुम्हारे हिंट्स कैसे समझे? कौन से हिंट्स? मैं वो नहीं चाहिए. हां ये बड़ी दिक्कत है तुम लोगों में. किस-किस को हिंट दिए तूने? वो आप फर्स्ट मूव देखेगी. हां वो आगे डायरेक्टली बात करने की कोशिश करेगी. आपके पीछे-पीछे चलेगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मोर इंपॉर्टेंट, बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड. ये सारे मेरी बात सुनो. नो, ये बात नहीं है कि सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही इम्पोर्टेंट है, बॉयफ्रेंड भी इम्पोर्टेंट है. बताओ सबका यही है क्या? बेस्ट फ्रेंड नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी नेक्स्ट. बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड बनो, बॉयफ्रेंड मत बनो. अरे सुनो सुनो कुछ, मैं वही बता रही हूँ कि अपनी अपनी जगह दोनों इंपॉर्टेंट. तुझे किसके बारे में जानना है? हाँ. नहीं मतलब क्या जानना है? क्यों होता है ऐसा? बेस्ट फ्रेंड बहन का भाई. गाइस बेस्ट फ्रेंड मत बनाओ, अगर बनाना है तो उसको बाद में बॉयफ्रेंड बनाओ. तो बात आ जाती है ना, आधे आधे चले होते हैं. ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसको कोई और बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकता. बेस्ट फ्रेंड ही मजे लूटते जा रहा है, बॉयफ्रेंड का कोई काम ही नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैसा लगता है तुम्हें कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की एक गर्ल बेस्ट फ्रेंड है जो उसके साथ बहुत टाइम रहती है? नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं. कॉल आती है ना, लड़कियां बेस्ट फ्रेंड होती है लड़कों के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ ज्यादा, तो वही बात करती है. तो वही तो लड़कियों को. तो अब लड़कों को किसको चूज करना चाहिए, गर्लफ्रेंड को या बेस्ट फ्रेंड को? ये देखो देखो गर्लफ्रेंड. लड़के गर्लफ्रेंड को करे और लड़कियां बेस्ट फ्रेंड को. मैंने बॉयफ्रेंड, मैंने बेस्ट फ्रेंड बोला. बेस्ट फ्रेंड कंफ्यूजन, ये कंफ्यूज है. ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ. ये सॉल्व कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेस्ट आउटफिट ऑन अ गाय? सुन तू फॉर्मल रुक जा. क्या क्वेश्चन देखता पे है ना? यहाँ पे वहाँ देखता है यार तो ऐसे दूरी. चलो वहां से करेंगे शुरू. अब बेस्ट, चलो बेस्ट आउटफिट इन अ गाय, क्या पहनना होगी लाजवाब? ब्लैक कुर्ता. काले कौवे बनो, कौवे कौवे काले कौवे बनो, काले कौवे बनो. अगला वो तो बंदे की पर्सनालिटी पे सूट करते हैं. फिर भी पसंद होता कि हाँ ये पहन के एक चीज पहननी हो तो फॉर्मल. क्या फॉर्मल? ब्लेजर. और ब्लेजर. हाँ जी फॉर्मल. ठीक है जी. पर रुक यार, क्या पसंद? एक अच्छे में आ जाए जो डेली पहनता है. हाँ जो डेली पहनता है अच्छा होगा. क्या ज्ञान ले लेते हैं हम? क्या अच्छा? अब सुन सुनो, प्रिया का आंसर मैं बताता हूँ. वो तो ना ऐसा होता है ना, कई लड़कों पे ये अच्छा लगता है, कई फॉर्मल कुर्ता पजामा टी शर्ट शर्ट पैंट दो चीजें. मतलब ज्यादा मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं लड़के जब वो फॉर्मल ड्रेस कपड़े पहनते हैं, जैसे पैंट्स ब्लेजर्स, तो बहुत अच्छा लगता है. जो भी पहने लड़के सही लगते हैं. एक मिनट, दिल पे लगाया आंसर यार, वाह. अगर कुछ ना पहने नहीं बोला, कुछ ना पहने तो और भी अच्छा. सो अब थोड़ा जूसी वन. यस. डू गर्ल्स वॉच पॉर्न? डू गर्ल्स वॉच पॉर्न? मतलब हाँ, ये गलत बात. ऐसा नहीं बोलो कि तुम खुद का बताओ. लड़कियां नॉर्मल लड़की सब लड़कियां देखती हैं, ये बात तो गलत है कि नहीं देखती हैं. देखती हैं गर्ल्स, ये मेरे को पता है. पर हम ये नहीं बताएंगे कौन देखती है. डू गर्ल्स मस्टरबेट?
नहीं ये अपनी बता रही है, अनदर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली करती है लड़कियां, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हम क्यों राज खोल लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन गर्ल्स टेक बाथ? एक दिन बाद, दो दिन बाद, एक साल बाद? डेली दो बार, एक मिनट यार मैं तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यूज दे रही हूँ। सर्दियों में मैं स्किप कर देती हूँ, गर्मियों में मैं रोज नहीं यार। स्किप क्या करती है, दिन या महीना? एक दो दिन स्किप कर देती हूँ सर्दियों में, गर्मियों में रोज। रुको, लड़कियों की सबसे खतरनाक फैंटेसी, डीपेस्ट डार्केस्ट फैंटेसी, हम क्यों बताए? क्योंकि पूछा है, पूछ रहे हैं भाई, रिजेक्शन, रिजेक्ट, लड़कियों को नहीं बताना है। Do girls like cuddles? हाँ, obviously. ठीक है। रस्तनी अच्छी यार, चिपक मत, निकल। हाँ, कभी-कभी annoying भी लगता है। हाँ, एक और question. Why do girls call their boyfriends bro? मज़ा। मज़ा। पर वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, वो सुनना चीज़ें करते हैं। So next question है कि if you are on a period, तो हम कैसे treat करें? कैसे तुम्हें tackle करें situation के साथ? कि क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज करो। वो तुम लिख दे दी, नहीं वो तुम उसी टाइम समझना, क्योंकि फिर उस टाइम समझ में नहीं आता है, तुम समझ ही नहीं सकते। हमें भी समझ नहीं आता, हम चिल्ला रहे हैं तो भी तुम प्यार से रहो, हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं फिर वो ला, तुम वो दे रहे हो हमें, उसके बाद भी हम रिएक्ट करें, तो तुम समझो कि हम प्रॉब्लम में है। सबसे बड़ी बात, चॉकलेट दे दी तुमने लड़की, खुशबू, उसका सीधा बोलना कि भूखे शेर के मुंह में हाथ मारा। नहीं, घायल घायल भूखा नहीं, घायल घायल घायल। अब लास्ट है कि तुम कुछ भी सजेशंस देना चाहते हो, लड़के देखेंगे इस वीडियो को तो बताओ कि क्या लड़के मतलब देखेंगे, लेकिन ज्यादा लड़के देखेंगे ना, कि ज्यादा बहस मत किया करो हमारे साथ, बहस मत किया, जो हमने बोल दिया एक बार बोल दिया। गाइस मेरे साथ बहस करनी है तो बहस करने के बाद फिर अच्छे से रहना है और फिर प्यार से मनाना है, बनाना भी पड़ना है, बहस करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती तुम्हारी है और रहेगी हमेशा। अगर वो नाराज हो जाए, गलती मेरी भी है तो क्या हुआ, एक मिनट खुद ही बात, वेट, गलती मेरी भी है तो क्या हुआ, मैं किसकी हूँ फिर? हाय हाय, कोई तो रोक ले। एक और कि अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, भाई है, तुमने उसको डबल डेट करते हुए देखा तो तुम क्या करोगे? मतलब चप्पल से मारेंगे, तो बात ठीक है, डबल डेट कैसे कर सकता है? जब उसकी बहन को कोई डबल डेट करे तब तो उसके दिल टूट जाएगा, उसने बंदे को सिर फाड़ देना है अपने आप। थोड़ा ओपिनियन वहां से भी ले ले, ओपिनियन उनसे पूछ, ठीक हो? ये जो नंबर मुझे सब पता था ये पहले से, जो बोल रही है अभी, क्योंकि ना मेरा जो फ्रेंड जोन है ना, लॉन्ड एक दो ही है, मैक्सिमम लॉन्ड ही है। महाराजा जी दासी से घिरे रहते हैं। ठीक है, फिर डन, इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड हो जाएगा। वेट गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, गुड वर्ड्स, और अगर आप चाहते हो हम इसका पार्ट टू लेके आए और आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी बता दो। नहीं, पार्ट टू के लिए बोलोगे फिर से यहाँ तक आना पड़ेगा। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, सेम ही लड़कियों मेरी और भी दोस्त है। गरीब है।